मशहूर एक्ट्रेस पर लोगों ने चला दिए पत्थर, कभी इनको देखने के लिए टावर पर चढ़ गए थे लोग। जी हाँ, दरअसल एक्टर खेसारी लाल यादव के बाद भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दिनों अक्षरा सिंह बदलापुर महोत्सव में काफी ज्यादा बिजी चल रही हैं। बदलापुर महोत्सव के दूसरे दिन जैसे ही वो परफॉर्म करने गई, हंगामा खड़ा हो गया। यहाँ तक कि लोगों ने मंच पर पत्थर भी फेंक दिए। अब ये पूरा मामला किस तरह से आगे बढ़ा वो आपको बताते हैं। दरअसल अक्षरा सिंह भोजपुरी की लोकप्रिय स्टार्स में शुमार हैं, उनको कई खिताब मिल चुके हैं। बताया ये जा रहा है कि बदलापुर महोत्सव में स्टेज पर अपने ही गानों पर अक्षरा सिंह डांस कर रही थी, तभी जौनपुर में बवाल शुरू हो गया। मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि महोत्सव में मौजूद लोगों ने मंच पर पत्थर भी फेंकने शुरू कर दिए। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने एक्ट्रेस पर कागज भी फेंके। अक्षरा सिंह लोगों की हरकतों से नाराज होकर स्टेज छोड़कर वापस चली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जौनपुर के बदलापुर महोत्सव में अक्षरा के अलावा हर हर शंभू फेम अभिलेप्सा पांडा भी मौजूद थे। दोनों ही स्टार्स को देखने के लिए भीड़ जमा हुई और इतना बड़ा बवाल हो गया कि पत्थर के साथ साथ कुर्सियां चलने लग गई और लोगों ने कुर्सियां तोड़ दी। अक्षरा सिंह ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके कार्यक्रम में ऐसा कुछ होगा। यही वजह थी कि वो गुस्से में स्टेज छोड़कर वहां से चली गई। अक्षरा के बाद महोत्सव में शामिल हुए बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने लोगों की हरकतों पर गुस्सा भी जाहिर किया। इतना सब होने के बाद आखिरकार उन्हें मंच से ही प्रोग्राम का समापन करना पड़ गया। अक्षरा सिंह के इवेंट में भीड़ इतनी ज्यादा बेकाबू हुई कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बल का इस्तेमाल भी करना पड़ा। हैरानी वाली बात यह है कि पुलिस के एक्शन लेने के बाद भी भीड़ अक्षरा को देखने के लिए परेशान नजर आई। बदलापुर महोत्सव में कई मंत्री, बॉलीवुड और भोजपुरी स्टार्स भी मौजूद थे। अक्षरा सिंह से पहले पटना और नवादा में खेसारी लाल यादव के इवेंट में भी ऐसा हो चुका है। खेसारी लाल के प्रोग्राम में भी बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा था, लेकिन अक्षरा सिंह के साथ पत्थर चलने का मामला पहली बार पेश आया है। इस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बॉलीवुड ब्रेक से जुड़ी हुई सारी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।